प्रणाम, मैं निर्मलेंदु फिर एक बार आपके सामने रफ़ी का एक बहुत पसंदीदा गीत लेकर आया हूँ। किशोर कुमार ने इस गीत को खुद नहीं गाया, रफ़ी की आवाज़ को उन्हें उधार लेना पड़ा। वो कौन सा गीत है? फिल्म शरारत का एक गीत है जो बहुत मशहूर गीत है, बहुत प्रचलित गीत है। इसके पीछे के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा गुनगुना लेता हूं। थोड़ा हमारे साथ आप भी चलिए। तो आपने सुन लिया, मेरा गुनगुनाना सुन लिया। अद्भुत है, अकल्पनीय है। गाने को जितने बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, इच्छा होती है कि दिन भर गुनगुनाते रहें। क्या रेंज है, जरा उस रेंज को देखिए और रफ़ी के गायन को देखिए। आप इसका वीडियो, इसमें हम आपको देंगे, उस वीडियो को सुनिए। सिर्फ धुनी नहीं बल्कि हसरत जयपुरी के लिखे गीत के बोल भी बेहतरीन है, लाजवाब है। रफ़ी का गायन इसे और आकर्षक बना देता है। एक अभिनेता के लिए प्लेबैक सिंग करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि किशोर कुमार स्वयं एक अच्छा गायक भी हैं, हालांकि तुलना करना बेमानी होगी। 60 वर्ष पुराना है ये गीत, अद्भुत है, अमर है। अब देखिए, उन दिनों कोई राजनीति नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी, आपस में प्यार था, भाईचारा था, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे भाई, चाहे कोई और, आपस में था एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और मानवीय संबंध का लेन देन, मानवीय संबंध का लेन देन। यही कमाल है रफ़ी साहब की गायकी का। किशोर दा के गले में भी फिट बैठ गया। किशोर कुमार को गाते हुए देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रफ़ी साहब पीछे से गा रहे हैं, उनके लिए गा रहे हैं, किशोर जी के लिए, जो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। दरअसल इस बात पर आश्चर्य होता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ हर किसी के लिए उसी अंदाज में तैयार कैसे हो जाता है जैसा कि उसकी अपनी आवाज़ में वो खुद गा रहे हों। अगर यह कहें कि यह दर्द भरा गीत सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं तो शायद गलत नहीं होगा। हालांकि किशोर दा भी गा सकते थे, लेकिन सवाल यही है कि इस हाई पिच पर क्या वो गा पाते, सवाल क्या वो गा पाते, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वह इस गाने को नहीं गा पाते। चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं, राज की बातें बताते हैं, क्या हुआ था इस गाने को लेकर। दरअसल किशोर दा ने ये बातें कभी अपने ही दोस्तों से शेयर की थी। जब गीत लिख दिया गया तो धुन किशोर दा ने सुनी, और धुन सुनते ही उनके जीवन में एक ही बात आई, एक ही नाम आया, वो था रफ़ी साहब। उन्होंने कहा कि इस गीत के साथ रफ़ी साहब भी न्याय कर सकते हैं। हालांकि स्वयं शंकर जयकिशन ने भी किशोर दा से यही कहा था कि ये गीत तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। अब किशोर दा का बरप्पन देखिए, लोग पर्दे के पीछे की बात को भूल जाते हैं और अपने अपने हिसाब से खैरी पुलाव लगाते हैं कि दोनों के बीच दूरियाँ थी, लेकिन ये सच नहीं है। किशोर दा का बरप्पन यह है कि उन्होंने रफ़ी साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा मैं मिलना चाहता हूँ। वो दिन रविवार का दिन था, चाय पीने के बहाने रफ़ी साहब से मिले किशोर कुमार। चाय पीना और पिलाना रफ़ी साहब बहुत पसंद करते थे। चाय पीने के बहाने रफ़ी साहब से मिले किशोर कुमार ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, रफ़ी साहब मैं फंस गया हूँ। अब कोई फंस जाए और रफ़ी साहब को आके बोले कि मैं फंस गया हूँ, तो रफ़ी साहब कभी भी ये नहीं सोचते कि वो फंस गए हैं वो, बल्कि उस व्यक्ति को जहाँ फंस गए वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। यही रफ़ी साहब की खूबी है, ये खूबी सब व्यक्तियों में नहीं होती। अब रफ़ी साहब को कोई यह कह दे कि मैं फंस गया हूँ तो भगवान शिव की तरह भोले हो जाते हैं और तन मन से उनकी सहायता करने लगते हैं। कहते हैं कि उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो रफ़ी साहब ने धीरे से पूछा हंसते हुए, क्या बात है किशोर, क्या हुआ, क्यों फंस गए, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या परेशानी हो। किशोर दा ने अपने अंदाज में कहा गुनगुनाते हुए, मैं ये गा नहीं सकता। कौन सा गाना गा नहीं सकते, क्या बात हो गई, रफ़ी साहब ने पूछा। किशोर दा ने गाने की लाइन को गुनगुनाया
और गाने की कोशिश की तो हाई पिच में आकर वो रुक गए। अरे बाप रे बाप, और कहा इसे आप ही गाओ। बस रफी साहब गाने के लिए तैयार हो गए। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी लाइनें थी जिसे गाने के लिए किशोर साहब ने इनकार कर दिया। वो लाइनें थी, ओ आसमां बता किया हमने था क्या, जो मिली ये सजा, जो मिली ये सजा। ये फिल्म शरारत है और इस फिल्म में किशोर कुमार ने नायक की भूमिका निभाई थी। ऐसी कई फिल्में हैं, मुझे जहाँ तक याद है 11 फिल्मों में किशोर दा ने रफी साहब की आवाज़ उधार ली और उनसे गवाए। कुछ क्लासिकल थे, कुछ हाई पिच के गाने थे, तो दोनों में दोस्ती थी और जब तक दोनों रहे तब तक दोनों में दोस्ती थी। आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ प्रणाम।